या ये देखिए, ये छोटा बच्चा है और काफी बेहतरीन कला है इसके पास और ये इस समय से खेलेगा। तो जैसे कि विनीत सर यहाँ के जो कोच है, हेड कोच है, वो बता रहे थे कि बच्चे ओलंपिक खेलेंगे, इस उम्र से ये खेलना ना छोड़े और इसके पेरेंट्स सपोर्ट किए तो जरूर ये अपना देश का नाम रोशन करेगा, अपना राज्य का, अपना गांव का, अपना जिले का। तो घर वाले बोले कि जाके थोड़ा एक्शन गेम खेलो। हाँ, पबजी खेला? नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो। नहीं पबजी नहीं, मतलब फ्री फायर, यूट्यूब वगैरह देखा। हाँ, तो ये गेम को क्यों पसंद किया? इसके अलावा बहुत सारे गेम है। ये गेम मैंने एक दो बार ही देखा था कहीं, तो मुझे लगा कि सीखना चाहिए। पसंद है? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, इसमें कंटिन्यू करना है या गेम का चेंजिंग करना है? कंटिन्यू करना है। इसके अलावा कोई गेम नहीं, बस टाइक्वांडो। लड़कों लोग को पीट दोगे? हाँ। पक्का? हाँ। अपने उम्र के लड़के को पीट दोगे? हाँ। कितने जन को? जो ट्रेनिंग नहीं किया, ये लोगों नहीं, जो ट्रेनिंग नहीं किया, जैसे मैं हूँ। हाँ, पीट सकते हैं। मुझे पीट दोगे? हाँ। मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, सर से पूछो। तौर पे मैं अभी हूँ किसी एकेडमी में, एकेडमी मतलब स्पोर्ट्स। तूने ऐसा फेंका भाला, पूरे विश्व में तिरंगा लहरा डाला, नीरज चोपड़ा के लिए था, उन्होंने ऐसा काम किया अपने देश के लिए। अब ये चीज़ चाहिए हमारे बिहार के बच्चों के लिए, जो उनके अंदर प्रतिभा है लेकिन इस चीज़ को लोग उभार नहीं पाते हैं। इसी कड़ी में हमारे बगल में जो खड़े हैं, इन शख्स से मैं बात करूंगा। आप देख सकते हैं फुल ड्रेस में है और इनके ऊपर एक ब्लैक लगा हुआ है बेल्ट। इस सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। अभी हम हैं एकेडमी में। मैं चाहूँगा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो बच्चे और बच्चियाँ प्रेस्टी कर रहे हैं, उनको भी, उनसे भी बात किया जाएगा और किस किस तरह की तैयारियाँ की जाती है, ये सारी चीज़ों पर बात होगी। तो सबसे पहले सर, पहला आपका परिचय। जी, मेरा नाम विनीत कुमार शर्मा है और मैं एक प्रोफेशनल टाइक्वांडो प्लेयर हूं और साथ ही अपना एक छोटा सा एकेडमी चलाता हूं जिसका नाम है चैंपियंस टाइक्वांडो एकेडमी। मैं साउथ कोरिया से ब्लैक बेल्ट किया हूं और एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हूं। आप, सबसे पहला सवाल रहेगा, जहां तक मुझे जानकारी है इस गेम को आप इस ज़िले में काफ़ी प्रमोट किए हैं, मुझे जहां तक जानकारी है। अगर ये किसी को गलत लगता है तो भाई मुझे जानकारी नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा। इसके बारे में आपका ख्याल कहां से है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे गोपालगंज ज़िले में ये खेल बहुत पुराना है, 95 और 90 के दशक में ये खेल बहुत अच्छा। लेकिन मैंने बोला कि इसको पॉपुलर आपने किया, इसके बारे में बात कीजिए ना, बात नेता जैसा मत घुमाइए। हाँ, पॉपुलर करने का मेन वजह ये था कि ये गेम ऑलरेडी ओलंपिक में था और पीछे जा रहा था, इस पर किसी का ध्यान नहीं था। तो मैं इस गेम को पहले से जानता था, तो मैं सोचा कि उस गेम को और प्रमोट किया जाए और भी खिलाड़ियों को जोड़ा जाए, और फिर मैं बस अपना काम ईमानदारी से करते गया, बाकी लोगों का प्यार मिला, प्रमोट हो गया। इस गेम में मैंने, मुझे जहाँ तक जानकारी है, कई पार्ट्स ब्रोक भी हो जाते, क्या कभी ऐसे आपके साथ हुआ है? हाँ, बहुत बार ऐसे होता है कि इंजरी हो जाती है, लेकिन अभी साइंस बहुत डेवलप हो गया है तो उसके ये पे कि हम लोग रिकवर भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रिकवर हो जाता है। डाइटिशियन है हमारे पास, फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे पास, अच्छे फिजिशियंस हैं हमारे पास, सर्जन्स हैं हमारे पास, तो हम लोग रिकवरी का बहुत अच्छा केयर करते हैं। और आप पीछे देख रहे होंगे कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, तो चोट लगने की जो अवधारणा बनी है कि मार्शल आर्ट्स करते समय, टाइक्वांडो करते समय चोट लगती है, वो चीज़ें नहीं रहती हैं। मतलब चलिए, ये तो हो गया चोट की बात, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसा होता है कि अगर हम वेल ट्रेंडेड हैं तो एक दो बंदे को नहीं बल्कि 5-6 बंदे को अकेले देख लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या इसमें? देखिए, ये तो एक अलग पार्ट है, मतलब मार्शल आर्ट युद्ध कला का एक अलग पार्ट है कि हाँ, हम अपने आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। हम लोग का मेन पर्पस जो होता है वो टाइक्वांडो ओलंपिक स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सेल्फ डिफेंस तो इसका एक छोटा सा पार्ट है, वो 3-4 महीने की ट्रेनिंग लेके कोई भी सीख सकता है। लड़कियों के लिए कोई छोटा सा मैसेज? लड़कियों के लिए मैं, जो लड़कियां गांव में रहती हैं और वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं करता, अक्सर उनके साथ गलत होता है, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन उनके लिए आपका एक छोटा सा मैसेज? उनके लिए बस एक यही मैसेज है कि जब भी आपको मौका मिले, कहीं से भी मौका मिले, आप उसका फ़ायदा उठाएं। बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सारे स्कूलों में ट्रेनिंग कराने हम जाते हैं तो बहुत सारी लड़कियाँ सीखने से मना कर देती हैं और फिर उनके साथ जब घटना होती है तो वो लोग इस बात का आवाज़ उठाती हैं कि मेरे साथ ये हो गया। तो यही कहूँगा कि आप हमेशा, जब भी मौका मिले, आप मार्शल आर्ट ज़रूर सीखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा है और आपको कॉन्फिडेंस देता है
कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जो बच्चे दे आर नॉट एबल टू पे द फी, मतलब वो पैसा नहीं दे पाते हैं, क्या उनको आप फ्री में सिखा सकते हैं जो बच्चियाँ सीखना चाहती है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स? देखिए, सबसे पहले ये स्कीम हमने चालू किया हुआ है, और पहले लॉकडाउन से पहले ये चल रहा था, अभी कुछ दिनों से ये बंद है जब से लॉकडाउन लगा हुआ है। चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं और उसके लिए प्लान है हमारे पास। बहुत जल्द एक आपको बहुत अच्छा ऑफर मिलने वाला है पूरे गोपालगंज को, जिसपे हम लोग ने, हमारा पूरा टीम, पूरा एसोसिएशन इस पर लगा हुआ है, स्पोर्ट्स प्रमोशन को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर हम लोग इस पर काम करने वाले हैं। अंत में आपका एड्रेस, उसके बाद मैं बच्चों से बात करूँगा, अंत में आपका एड्रेस और किस तरह का तैयारी कराते हैं, ये सारी चीज़ें छोटा सा वर्ड में। ये एकेडमी जो है गोपालगंज के शहर के बीचों बीच बीएम फील्ड के करीब में है, स्कंदे विद्यालय के दक्षिण रामनाथ शर्मा मार्ग गायत्री मंदिर में स्थित है, और हम यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग कराते हैं, फिटनेस का ये देते हैं, फिटनेस टिप्स देते हैं कि कैसे आपको स्वस्थ रहना है, और उसके साथ साथ ओलंपिक स्पोर्ट्स की तैयारी कराते हैं, जो मतलब बच्चों के करियर को लेकर काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, और उन लोग से भी मैं बात करूँगा जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, तो उनसे एक छोटा सा मैसेज और छोटा सा अपील। देखिए, बात ये है कि जो नहीं सपोर्ट करते हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, आज जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही खेलों को प्रमोट कीजिए, आप चांस दे के देखिए, हम लोग ज़रूर वो करके दिखाएंगे जो आप सोचे भी नहीं होंगे। गोल्ड मेडल, ओलंपिक प्लेयर फ्रॉम बिहार, ये तो मेरा एक विजन है, एक मतलब ड्रीम है, और उस कितने अगले साल दे सकते हैं क्या, अगर अगला साल में तो नहीं होता ओलंपिक, लेकिन जब ओलंपिक हो तो क्या आपके एकेडमी से या आपके जिले से कोई बच्चा जाएगा? कोशिश पूरी रहेगी, क्योंकि ओलंपिक जाना इतना आसान नहीं होता, उसके पहले बहुत सारे चैंपियनशिप जीतने होते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये जानना होगा कि ओलंपिक क्वालिफाई कैसे करते हैं। ओलंपिक क्वालिफाई करने में ही 3-4 साल लग जाते हैं, रैंकिंग बनाना होता है, टॉप लेवल की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में 30 अंडर 30 के जो करीब होते हैं उन्हीं का हो पाता है, तो वो रैंकिंग बनाने में समय लगता है। तो मैसेज फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चों को बस खेलने का मौका दें, खेलने का आज़ादी दें। जी बिल्कुल। कितना घंटा? ज़्यादा नहीं, बस सुबह शाम 1-1 घंटा दीजिए, या केवल शाम को ही 1 घंटा अगर उनको मौका दे सकते हैं तो आप दीजिए, बचपन उनका मत छीनिए बस। चलिए, थे विनीत सर, अब मैं इस कड़ी में आगे बढ़ूंगा, कुछ बच्चे आ रहे होंगे, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, कुछ मासूमियत भी है, कुछ बदमाश भी है, होना भी चाहिए, कुछ शरारती भी है, मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ है स्मार्ट भी है, कुछ बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मेरे पास एक बच्चा है जो बहुत ही भोला है, आपकी उम्र कितनी है बेटा? 6 साल। 6 साल? कितना है? 6 ईयर। आप कितना दिन से खेल देंगे? 1 महीना 2 महीना 4 महीने, कितना दिन से? 1 महीना उचे तमेर। 1 महीने से कम? क्या क्या सीख लिया आपने? इसपे मार दोगे? इसपे मार दोगे? मारो तो घड़ी इसपे। हाँ, या ये देखिए, ये छोटा बच्चा है और काफी बेहतरीन कला है इसके पास, और ये इस समय से खेलेगा तो जैसे कि विनीत सर यहाँ के जो कोच है, हेड कोच है, वो बता रहे थे कि बच्चे ओलंपिक खेलेंगे, इस उम्र से ये खेलना ना छोड़े और इसके पेरेंट्स सपोर्ट किए तो जरूर ये अपना देश का नाम रोशन करेगा, अपना राज्य का, अपना गांव का, अपना जिले का नाम रोशन करेगा। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूँ, अब कुछ बड़े बच्चों से भी बात कर लें। आपका उम्र? 10 इयर्स। नाम बेटा? सौर्य राजवंश। आप क्यों, मतलब घर वाले फोर्स किए या आप खुद से मर्जी से आए हैं यहाँ खेलने के लिए? नहीं, पेरेंट्स की हैं, करवाएं। आपको पसंद नहीं है क्या? नहीं है। तो फिर आपने पेरेंट्स का नाम क्यों लिया? और कितने दिन से खेल रहे हैं आप? 2 साल। इसके अलावा कोई गेम नहीं, केवल यही पसंद है 100%? यस सर। कितने साल से खेल रहे हैं? 2 साल। मुझे पीट दोगे? हाँ पीट दोगे? चलो मत, मुझे मारना मत। इस कड़ी में और आगे बढ़ते हैं, कुछ लड़कियां हैं। बेटा आपका नाम? आयुषी श्रीवास्तव। आप कितने दिन से खेल रहे हो? 4 मंथ्स। 4 मंथ से क्यों, इसके पहले क्यों नहीं खेला? कब ख्याल आया खेलने के लिए? लॉकडाउन में बस। लॉकडाउन में बैठे बैठे मोबाइल पे खेल रहे थे तो घर वाले बोले कि जाके थोड़ा एक्शन गेम खेलो। हाँ। पबजी खेला? नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो। नहीं, पबजी नहीं, मतलब फ्री फायर, यूट्यूब वगैरह देखा।
हाँ। तो ये गेम को क्यों पसंद किया? इसके अलावा बहुत सारे गेम हैं। ये गेम मैंने एक दो बार ही देखा था कहीं, तो मुझे लगा कि सीखना चाहिए। पसंद है? हाँ अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? नहीं बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। नहीं, इसमें कंटिन्यू करना है या गेम का चेंजिंग करना है? कंटिन्यू करना है। इसके अलावा कोई गेम नहीं, बस टाइक्वांडो। लड़कों लोग को पीट दोगे? हाँ। पक्का? हाँ। अपने उम्र के लड़के को पीट दोगे? हाँ। कितने जन को? जो ट्रेनिंग नहीं किया है, ये लोगों ने जो ट्रेनिंग नहीं किया, जैसे मैं हूँ। हाँ पीट सकते हैं। मुझे पीट दोगे? हाँ। मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, सर से पूछो। आरोही श्रीवास्तव। कितना दिन से खेल रहे हैं आप गेम? 4 मंथ्स से। तो ये गेम आपने पसंद किया, पापा ने पसंद किया, मम्मी ने? दोनों ने, मैंने, मम्मी पापा। मजा आता है खेलने में? हाँ बहुत मजा आता है। सर अच्छा खिलाते हैं? हाँ। सर को आता है खिलाने? हाँ सर को आता है। बढ़िया सिखाते हैं? चलिए, यहाँ के बच्चे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टेड हैं इनको खेलने के लिए, और इतनी छोटी सी उम्र में अगर ये खेलेंगे तो वाकई में देश के लिए नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन करण के साथ मैं दीपक सिंह कश्यप, और आप देख रहे थे बात आपकी।